नमस्कार साथियों, देखिए रॉयल इनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी 650 किस तरह एक खड्डे में हेड डाउन नीचे गिर गई है। और ये खड्डा लगभग आप देख रहे हैं 4 से 5 फीट का गड्ढा है और हमें अभी तक पता नहीं लगा है कि राइडर का क्या हुआ, लेकिन गाड़ी देखिए इस गड्ढे में किस तरह से नीचे गिर गई है। और ये आप देख रहे हैं रोड के उस पार भी एक गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कोई भी बैरिकेड नहीं है। तो संभव ये गाड़ी किसी डिसबैलेंस वजह से राइडर ने अपना डिसबैलेंस खोया और गाड़ी गड्ढे में गिर गई है। तो ये समय लगभग आपका 2 से 3 बजे का समय है, ब्रॉड डे लाइट है, फिर भी गाड़ी किस वजह से अंदर गिरी, राइडर का क्या हुआ अभी हमें फिलहाल कुछ पता नहीं है। तो ये है रॉयल इनफील्ड की सबसे प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है जो कि इस गड्ढे में औंधी मुंह गिरी पड़ी हुई है और इनका अभी ओनर शायद हमें नज़र नहीं आ रहा है और लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है। और ये देखिए हर एंगल से मैं आपको ये गाड़ी का पोज दिखा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि गाड़ी में कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि सामने में जो उनके जो स्पीडोमीटर और वगैरह कुछ हैंडल बार में कुछ नुकसान हुआ होगा। तो ये देखिए मैं अंदर में डेप्थ में इसको दिखा रहा हूँ आपको। तो क्योंकि गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा है, ये गाड़ी का वेट लगभग 2 से 3 क्विंटल है, तो एक साधारण गाड़ी होती तो कुछ लोग मिलकर इसे निकाल सकते थे, लेकिन ये गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा है इसे निकाल पाना संभव नहीं है। तो बिना ये रिकवरी वैन के बिना ये गाड़ी निकलनी संभव नहीं है। तो देखिए रोड के इस पार भी आप देखिए 4 से 5 फीट का गड्ढा और उसके बिल्कुल ठीक बिल्कुल में ही एक और गड्ढा है। तो ये एक्सीडेंट होने का वजह कोई भी हो सकता है, रात में तो ये संभव है ही। तो उचित होता कि जो भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था उसे एक बैरिकेड देना चाहिए, प्रिकॉशन देना चाहिए ताकि आने जाने वाले को इस तरह का कोई दुर्घटना के सामना ना करना पड़े। देखिए रिकवरी वैन आ चुकी है और पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी है और उसे इस गड्ढे से निकलना है। पहले तो उसे चेन पुलिंग सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की क्योंकि गाड़ी को नुकसान हो सकता था, तो फिर ये आइडिया उन्होंने ड्रॉप कर दिया। फिर एक बैंड के जरिए से बांध दिया जा रहा है और फिर उसे पुल कर रहे हैं। इस तरह एक हैवी वेटेड गाड़ी जो कि रॉयल इनफील्ड की सबसे प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है या कहें बाइक सेगमेंट में सबसे प्रीमियम गाड़ी है, तो अगर इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी कहीं भी डिसबैलेंस हो जाती है तो एक आम आदमी की ये बस की बात नहीं है। तो मानो कोई बड़ा फोर व्हीलर का किसी एक्सीडेंट हुआ हुआ और ये रिकवरी वैन आई हुई है। हमें अभी अभी पता लगा है कि जो राइडर है वो भी इस गाड़ी के साथ ही गिरा था, लेकिन उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। उसे फिलहाल अभी हेल्थ सेंटर में भेज दिया गया है, हल्की सी खरोच आई है, तो भगवान का शुक्र है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। तो गाड़ी के फ्रंट सेगमेंट से पता लग रहा है कि उसके जो क्लस्टर्स पर नुकसान हुआ है, हैंडल बार में भी शायद कुछ नुकसान हुआ हो। तो दोस्तों जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो इस प्रकार के आप गड्ढे और बैरिकेड्स और कहीं भी जहाँ ना हो तो सावधान से गाड़ी चलाइए, धीरे रखिए, संयम रखिए और इस प्रकार के दुर्घटनाओं से बचिए। तो धन्यवाद दोस्तों।